हाय सबको, पहले तो आप लोगों को मुझे थैंक यू बोलना है क्योंकि आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो को बहुत सारा लाइक्स दिया और मेरे व्यूज़ भी बहुत अच्छे खासे बढ़ गए और मैं इसलिए आप सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मुझे सब पे यकीन है कि आप लोगों ने शेयर ज़रूर किया होगा ताकि सब तक पहुँच सके और सबको अवेयर हो सके। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे कोई बात करना नहीं चाहता है, शायद डिप्रेशन के बारे में मुझे बात करना है। डिप्रेशन ये वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा लाइफ को ख़राब कर देता है। वेल टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डिप्रेशन बिकॉज हम जानते हैं कि हम टीनएजर्स में भी ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है, क्योंकि स्कूल में अगर टीचर हमें अच्छे मार्क्स नहीं देते हैं, अगर हम फेल हो जाते हैं किसी सब्जेक्ट में, तो छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। ये डिप्रेशन के बारे में कोई बात करना नहीं चाहता है क्योंकि सबको लगता है कि लोग क्या सोचेगा कि मैं इतनी डिप्रेस्ड हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन हम लोग बात कर सकते हैं, अगर बात करके सॉल्यूशन मिल जाए किसी प्रॉब्लम का तो इतना बड़ा स्टेप उठाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। सुसाइड करना एक बहुत ही मतलब कायर वाला काम लगता है, मुझे तो बिल्कुल लगता है, क्योंकि लाइक इतना ज़्यादा मम्मी पापा हम लोगों के सपोर्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग ऐसा करते हैं, ये तो बहुत गलत बात है। लेट्स डिप्रेशन इज़ समथिंग, मेरे अकॉर्डिंगली मुझे लगता है कि डिप्रेशन जो होता है वो हमें सिर्फ मेंटली नहीं इफ़ेक्ट करता है, ये हमें फिज़िकली भी किल कर देता है। सो डिप्रेशन बहुत ही बुरा होता है। एक स्टूडेंट लाइफ में डिप्रेशन होना बहुत ख़राब बात है, वही अगर देखा जाए तो जो आजकल इतने ज़्यादा फैमिलीज़ में देखते हैं, हमारे पापा, हमारी मम्मी और हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स में भी ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि लोग बहुत डिप्रेस रहते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। यू नो व्हाट इज़ द एक्चुअल रीज़न? क्योंकि हम लोग सब पता है कैसे, जब हम लोग बहुत दूर रहते हैं, लाइक बाहर रहते हैं, जैसे कि मैं कोलकाता में रहती थी पहले, ठीक है, और मेरे मम्मी पापा यहाँ रहते हैं बिहार में, तो लेट्स सी कि जब हम लोग व्हाट्सएप पे बात करते थे तो देन देवर लाइक कैसी हो, अच्छे हो कि नहीं, देन वी यूज़ टू टॉक लाइक रेगुलरली कैसे हैं ये। अब क्या है, जब हम लोग पास में हैं तो कैसा हो गया, पास में हो गए हैं तो सबके फैमिली में यही प्रॉब्लम होगा, जब पास में तो पास में रहते हैं तो हम लोग बात ही नहीं करते हैं, सब एक दूसरे से अच्छे से रहते ही नहीं हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं, अपने फ़ोन में लगे रहना, हमेशा सोशल मीडिया में रहना। लाइक सीरियसली यार, ये सोशल मीडिया इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए बना है, उसको अपने लाइफ का ऐसा पार्ट मत बना लो कि तुम्हारे लिए सोशल मीडिया के अलावा कुछ बचे ही नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं बचे। सो इट्स लाइक दैट। वेल मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा गलत है, हमें अपने मम्मी पापा को टाइम देना चाहिए, हम उनसे पूछना चाहिए कि उन्हें क्या टेंशन है लाइफ में, उन्हें जॉब में क्या प्रॉब्लम हो रही है, हमें उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई डिप्रेशन आजकल शिकार है और ये एक ऐसा प्रॉब्लम है इस सोशल देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा ही दिक्कत करेगा आगे होने वाले लाइफ में, क्योंकि हम लोग को पता है कि अभी इतना ज़्यादा कोरोना वायरस की वजह से लोगों का बिज़नेस ठप हो गया है, लोग इतने ज़्यादा मतलब इकोनॉमिक कंडीशन तो ऐसा शटडाउन हुआ है कि इसे रिकवर करने में तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। सो वेल ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को अपने फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा करना चाहिए, हमें अपने पापा से, हमें अपनी मम्मी से, हमें अपने फैमिली में जो भी अर्निंग पर्सन है उनसे भी बात करना चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए कि पापा आप ठीक हैं, पापा आप बताइए, या उनसे डे टू डे, प्लीज़ अगर आपके पापा बाहर काम कर रहे हैं तो आप उनसे कॉल पर बात करिए, पूछिए। और वही चीज़ में पेरेंट्स को भी बोलना चाहती हूँ कि अपने बच्चों से बात करें, बहुत के बच्चे बाहर फंसे हुए थे तो दे शुड टॉक कि आप कैसे हो, वहाँ पे ठीक से हो कि नहीं। लेट्स ये सारी चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने का टाइम आ गया, क्योंकि हमें पता है कि अभी बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं और उन लोगों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है अभी कैंपस का, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत का तो कैंपस सिलेक्शन होने के बाद भी उन्हें बोला गया कि उन्हें नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बिज़नेस में इतना ज़्यादा लॉस हुआ है और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, मेरा जो मतलब जिस सेक्टर से मैं बिलोंग करती हूँ।
सो ऐसे टाइम पे बहुत से स्टूडेंट्स और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं. सो लेट्स यू शुड टॉक टू मी, यू शुड टॉक टू एनीवन, बट ऐसे स्ट्रेस नहीं लो, क्योंकि स्ट्रेस लेने से बहुत तरह की बीमारी होती है, बहुत तरह का बीमारी होता है. लेट्स टॉक अबाउट इट. आज जो सिचुएशन है वो कल नहीं रहेगा. ज़रूरी नहीं है कि जो आज हम लोग के साथ हो रहा है वो हमेशा के लिए, इट्स नॉट फॉर लाइफ टाइम. हम सबको अच्छी जगह जॉब मिलेगा, हम लोग अच्छी जगह जॉब करेंगे. आज समझते हैं 2020 हम लोग के लिए बहुत ख़राब रहा है, बट दैट डजंट मीन कि आप डिप्रेशन में रहो और आप अपने लाइफ में तो स्ट्रेस ले ही रहे हो, साथ ही साथ अपने बॉडी पे ध्यान नहीं दे रहे हो, खा नहीं रहे हो ठीक से. यार ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी ऐसा टाइम है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टेंशन होगा, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि इस टाइम पे क्या करें, ऐसे कैसे मतलब चलेगा, अभी क्या करना है. बहुत का तो लाइफ एकदम मतलब स्टॉप हो गया, मानो मेरा भी लाइफ स्टॉप हो गया. अभी मैं भी ग्रेजुएट होने वाली थी ना इसी साल, लेकिन लेट्स सी अभी क्या कर सकते हैं. अभी जब तक ये चीज़ ठीक नहीं होगा हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं. सो प्रे फॉर लाइक कि कुछ अच्छे से हो जाए, सब कुछ ठीक से हो जाए. और प्लीज़ अगर कोई भी डिप्रेशन में हो, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे पूरे परिवार और जितने भी आप सभी लोगों के लिए ये चीज़ है कि कृपया करके बात करें, खुद से बात करें, अच्छे लोगों से बात करें, अच्छे टाइम पे अच्छे लोगों से बात करें. बात करने से सारा का सारा सॉल्यूशन हो जाएगा. और ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों को कभी भी ज़रूरत हो, कैसी भी ज़रूरत हो, यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन आस्क मी फॉर एनीथिंग, लाइक फॉर एनी हेल्प. आप लोग को कुछ भी चाहिए, क्योंकि हमें मुझे पता है कि अभी एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें हम लोगों को एक दूसरे का हेल्प करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सो सब कोई अच्छे से रहें, खुश रहें. आज मुझे ऐसे ही बात करने का मन कर रहा था इस टॉपिक पे, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है एंड शी वाज एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी वो अपने करियर को लेके, और अभी एंड शी वाज टॉकिंग रबिश कि मैं क्या करूँ, मेरे को लग रहा है कि मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है. शी वाज वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड. मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ उसके साथ ही नहीं, ये प्रॉब्लम सबके साथ है अभी तो. सो वी शुड हैव टू टॉक अबाउट इट गाइज. प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में पूछते रहें सबसे अच्छे से कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है. वेल, हम मुझे पता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स तो ऐसा ज़रूर करेंगे, सब पूछेंगे आज जाके ओके कि अपने फ्रेंड्स से कैसे हो, अपने मम्मी पापा को हग कर लो यार, इतने दिन बाद चांस मिला है उनके साथ रहने का, फिर क्या पता कब रहने को मिलेगा, कब नहीं रहने को मिलेगा. सो लेट्स इन्जॉय दिस डूड, ओके कूल. चलो बाय, सब कोई अच्छे से रहो और मेरे वीडियोस को ऐसे ही लाइक्स करते रहो, सब्सक्राइब करो, और मेरा ढेर सारा प्यार आप सभी के लिए. थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस थिंग्स. चलो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना.